एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास खड़ी हुई है बोलेरो न्यू N10 और ये इसका ऑप्शनल वेरिएंट। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता अगर आप इसके सेगमेंट में देखो तो। बोलेरो न्यू में N10 इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। और अगर हम इसकी बात करें ना कि भाई इसे लेता कौन है, तो इसे सिर्फ वही लोग लेते हैं जिनको इंजन का सबसे ज़्यादा काम होता है और जिनका भरोसा बोलेरो पर बना हुआ है। अब बोलेरो अगर आप पुरानी वाली देखो ना तो बहुत ही ओल्ड थीम की सी आती है और उसे कोई लेना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन जिसको चाहिए ना थोड़े बहुत फीचर भी मिल जाए मेरे को और थोड़ी लुक्स भी आ जाए और बोलेरो का नाम भी रहे, तो वो इस गाड़ी को बहुत लेना पसंद करता है। तो उसी चीज़ के लिए महिंद्रा ने ये गाड़ी निकाली है। और अब आप एक और चीज़ देख सकते हो कि अब ये न्यू लोगों के साथ आने लग गई है, जो कि महिंद्रा का अब आपने देखा होगा सारी गाड़ियों में न्यू लोगों अब आने लग गया है। तो उसी लोगों के साथ अब ये भी उतर चुकी है मैदान में। और सबसे पहले इसकी चाबी से बात करते हैं, तो चाबी में यही आपको की मिलती है जिसमें कि अपना लॉक बटन है, अनलॉक बटन है और अपना लाइट्स ऑन करने का बटन है। बाकी ऐसे कुछ इसकी DRL ऑन हो जाती हैं, हैलोजन आपको पूरा सेटअप देखने को मिलता है, नीचे आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। बाकी जितना भी सेटअप है पूरा का पूरा ये हैलोजन में ही आपको देखने को मिलता है। गाड़ी अगर आप साइज देखो ना सेगमेंट के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरी हाइट से भी ऊपर है इस गाड़ी की जो लंबाई है। और अगर आप बोनट साइज बात करो तो लगभग भाई मेरी पेट से तो ऊपर ही आ रहा है। तो इतनी बड़ी कुछ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। प्लस अगर आप ओवरवेम वगैरह की भी बात करो तो काफ़ी ज़्यादा इसके बड़े देखने को मिलते हैं। ऐसी कुछ है इसकी साइड प्रोफाइल। बाकी अगर हम टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है 215x75R15, मतलब कि 15 इंच की आपको एलो व्हील देखने को मिलता है। और एलो व्हील पे भी आपको न्यू लोगो देखने को मिल जाता है। अब एलो व्हील में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता था, सिल्वर फिनिश में देते हैं, बाकी डायमंड कट वगैरह आजकल तो भाई ज़माना डायमंड कट का है तो वो भी दे सकते थे। बाकी आगे आप अगर गौर करो तो आपको डिस्क ब्रेक भी इसमें देखने को मिल जाती हैं। इतनी कुछ गाड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। प्लस अगर आप ऊपर की बात करो तो इसमें आपको यही अपना एंटीना देखने को मिलता है, जहाँ भाई आजकल शार्क फिन एंटीना ज़माना है वहीं अभी भी ये लोग यही वाला दे रहे हैं। पीछे की अगर आप बात करो तो वही न्यू लोगो आपको पीछे भी देखने को मिल जाता है। और N10 की इधर आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, प्लस बोलेरो न्यू इधर लिखा गया है। पीछे कुछ अगर आप लुक की बात करो तो कुछ आपको ऐसी देखने को मिल जाती है। और एक जो मेरे को थोड़ी सी खराबी लगी वो ये है कि यार इधर भी ये मैट ब्लैक फिनिश दे रखी है, इधर भी अगर ये बॉडी कलर दे देते डोर हैंडल तो काफ़ी ज़्यादा लुक एनहेंस हो सकती थी। अभी ये जो ब्लैक मैट फिनिश में दे रखे हैं इनसे ऐसा लगता है कि बेस मॉडल है गया। बाकी गाड़ी बेसिकली मैं बता दूं किन लोगों के लिए, जिनको बोलेरो का नाम पसंद है ना, पहले से बोलेरो चला रहे हैं, जिनका बोलेरो विश्वास बना हुआ है, लेकिन आज के ज़माने को देखते हुए ये अफसोस करते हैं कि यार बोलेरो वाले कुछ फीचर नहीं दे रहे अब उस वाली गाड़ी में, तो वो बोलेरो न्यू पर शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि इस गाड़ी में आपको फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, प्लस आपको इंजन तो वही 1.5 लीटर वाला ही देखने को मिल रहा है, प्लस अगर आप साइज वगैरह की बात करो तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज देखने को मिल रहा है। और जो आपका सीटिंग सेटअप है वो भी आपको 7 सीटर ही देखने को मिल रहा है, तो कोई भी कटिंग वगैरह नहीं है इसमें, सब आपको बोलेरो वाली लेगेसी वही करी गई है, मतलब कंटिन्यू इस गाड़ी में भी। तो आप इस गाड़ी को ज़रूर से देख सकते हो अगर आप बोलेरो देख रहे हो और आपको ये लगता है कि भाई हमारी वाली जो हम बोलेरो देख रहे हैं पुरानी वाली उसमें फीचर तो आती नहीं है, तो आप बोलेरो न्यू को ज़रूर से देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो ऐसी कुछ इसमें फील आती है, ये और सुधार हो सकता था। बाकी अगर आप डोर की बात करो ना तो डोर तो भाई काफ़ी ज़्यादा हैवी है, प्लस अगर आप डोर की फिट एंड फिनिश की बात करो तो इधर आपको फैब्रिक का काम देखने को मिल जाता है पूरा, और इधर आपको सिल्वर साटिन फिनिश दी गई है, प्लस इधर आप अपना डोर हैंडल लॉक अनलॉक कर सकते हो, इधर आप अपनी बोतल वगैरह रख सकते हो, इधर और कोई भी गाड़ी का कपड़ा वगैरह और भी रख सकते हो, प्लस ऐसी कुछ आपको गाड़ी देखने को मिलती है। और फुटरेस्ट कंपनी से नहीं आ रहा, एज ए एक्सेसरी आपको लगवाना पड़ेगा। बाकी गाड़ियां भाई पिन्नी चढ़ा के देती हैं गाड़ी में, लेकिन इसमें आपको कुछ ऐसा ही कवर देखने को मिलता है। जैसे अंदर बैठते हैं गाड़ी के और देखते हैं आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले दरवाजे को कर लेते हैं बंद और इसमें इधर की लगाते हैं, और की में भी अगर आप गौर करो तो इधर भी आपको लाइटिंग सी देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपको बहुत आसानी होती है रात वगैरह में, आपको चाबी के लिए ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ भाई चाबी लगानी है, आराम से मिल जाता है सेटअप। ऐसा कुछ जब आप इसे चालू करते हो तो ऐसा कुछ इसमें सेटअप बना हुआ आता है। प्लस इसकी जो स्क्रीन है ना यार, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी मेरे हिसाब से, प्लस जो इसकी क्वालिटी है ना वो भी कुछ ऐसी ज़्यादा खास है नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थीम की सी है।
पर ठीक है, बोलेरो की जो लेगेसी है ना वो थोड़ी ओल्ड थिंग की सी है, तो उसे कंटिन्यू रखा गया है। इसमें भी आपको थोड़ा और बड़ा दे सकते थे, पर चलो कोई नहीं, नहीं दिया तो। बाकी अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टा की बात करो ना, तो आपको सेम टू सेम कुछ कुछ आपको थार की याद दिलाएगा, मतलब थार जैसा ही आपको इसमें देखने को मिलता है। बाकी इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और काफी सारे आपको इसमें फीचर देखने को मिल जाते हैं। प्लस अगर आप इधर की बात करो तो क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको इसमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। महिंद्रा का नया लोगो दिया गया है। प्लस इधर से आप अपना वॉल्यूम अप डाउन और ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर आप इधर की बात करो तो इधर आपको 5 गियर देखने को मिल जाते हैं, प्लस रिवर्स गियर ऐसे इसका साइड में लग के लगता है। इधर फ्लैश जला लेता हूं मैं। इधर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपने गौर करा होगा कि डोर पर नहीं देखने को मिलते हैं, वो आपको इधर मिडल में दिए गए। मिडल से ही आप अपने चारों पावर विंडोज के कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हो, और प्लस विंडोज को लॉक अनलॉक करने का ही बटन इसमें आपको दिया गया है। इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, जो कि काफी ज्यादा इस गाड़ी को थोड़ा मतलब जचा रही है। और इधर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलती है, जो कि बहुत रगड़ सी है, और जो इसकी लेगेसी है ना वो कंटिन्यू रखी गई है। जैसे बोलेरो की एक थोड़ी वैसी है ना रूरल टाइप की लेगेसी है, वो इसमें कंटिन्यू रखी गई है। बाकी इधर आपको सारे सारे अपने देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपके इंडिकेशन वगैरह होते हैं। एसी के कंट्रोल आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। मैनुअल आपको इसमें एसी देखने को मिलता है, टॉप वेरिएंट में भी 12 वोल्ट का एक सॉकेट इसमें दिया गया है। यूएसबी का भी पोर्ट इसमें दिया गया है, बाय चांस अगर आपको फोन वगैरह इससे कनेक्ट करना हो तो आप इससे आराम से कर सकते हो। ऊपर की बात करें तो ऊपर इसमें आपको कोई भी मिरर नहीं दिया गया है। बाकी इधर की बात करें तो इधर आपको एक मिरर देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें भी लाइट नहीं दी गई है। इधर आप आरवीएम की बात करो तो वो आपको कोई भी ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलता है, आपको अपना मैनुअली देखने को मिलता है। बाकी अंदर का कुछ ऐसा सेटअप है, इधर की साइड आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, वहीं जो अपना पैसेंजर है उसके लिए कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं दिया गया है टॉप वेरिएंट में भी। ट्विटर्स की बात करो, इधर आपको प्लेसमेंट दी गई है ट्विटर्स की। बाकी आप अगर स्पीकर्स की बात करो तो वो आपको 4 इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि चारों डोर्स पर है। बाकी बोलेरो वाली जो पूरी लेगेसी है वो कंटिन्यू रखी गई है इस गाड़ी में। पीछे अगर हम स्पेस की बात करें तो आगे वाली सीट पूरी पीछे कर रखी है मैंने, उसके बाद भी स्पेस काफी ठीक ठाक बचा हुआ है, तो इसका मतलब स्पेस में तो आपको कोई भी कमी नहीं आने वाली। मिडल रूम है, बाकी जो सीट का जो रिक्लाइनिंग सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा सही दिया गया है। प्लस अगर आप आर्मरेस्ट की बात करो तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी कप होल्डर वगैरह इसमें आपको नहीं देखने को मिलते हैं आर्मरेस्ट में, लेकिन फिर भी हाथ वगैरह रखने के लिए दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको इधर देखने को मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड दिखता है पीछे से, और गाड़ी काफी ज्यादा ह्यूज है यार, मतलब बोलेरो वाली जो लेगेसी है ना वो इसमें बेकरार रखी गई है। बाकी टॉप वेरिएंट के हिसाब से भी देखो तो आपको इंडिकेटर फेंडर पे देखने को मिलता है, वो भी येलो कलर का हेलोजन, तो ये चीज एक गड़बड़ लगी, मतलब ओआरवी पे दे सकते थे इंडिकेटर। बाकी पीछे के डोर की बात करें तो भाई काफी ज्यादा हैवी हो चुका है इस टायर की वजह से, लेकिन पीछे की अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो पीछे सिर्फ एक एक जना ही बैठ सकता है, जैसे कि अगर बोलेरो वगैरह में आपने देखा हो तो भाई पीछे की सीट पे जो पुरानी वाली आती है मतलब उसमें बैठ जाते हैं आराम से, पीछे वाली सीट पर भी घिचपिचा के 2-4 बंदे, लेकिन इसमें वो वाला सीन नहीं है। इसमें भाई एक सीट पर एक ही बंदा बैठ सकता है, क्योंकि इस सीट की जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा कम रखी गई है। अगर चाहते तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे, इधर बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन कोई बात नहीं बढ़ा तो, पर इसमें अब एक ही इंसान बैठ सकता है पीछे। बाकी अगर मैं आपको रियर की बात बताऊं तो इधर आपको इतना कुछ बड़ा हाई माउंट स्टॉक लैंप देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा वाइड है। प्लस इधर आपको डिफॉगर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, वाइपर की प्लेसमेंट आपको इधर देखने को मिल जाती है, वाइपर भी काफी ज्यादा ह्यूज है। तो ये भाई अपनी कुछ बोलेरो N10। इसकी अगर मैं आपको प्राइसिंग की बात बताऊं तो इसकी प्राइसिंग कुछ आपको पड़ती है, इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो आपको करीब करीब 12 लाख रुपए एक्स शोरूम देखने को मिलती है। वहीं अगर आप इसके इंजन के स्पेक्स की बात करो तो इसमें आपको 1.5 लीटर का 100 BHP निकालने वाला 260 Nm की टॉर्क के साथ एक डीजल इंजन देखने को मिलता है। पेट्रोल में ही बोलेरो नहीं आती है, तो ऐसा कुछ इसमें आपको डीजल इंजन देखने को मिलता है। बाकी आपके क्या विचार है बोलेरो न्यू पे कमेंट में जाके जरूर बताना, और न्यू लोगों के साथ कैसी लग रही है, मेरे को तो काफी ज्यादा पर्सनली प्यारी लग रही है, आपको कैसी लग रही है। रूक रेल्स वगैरह इसमें होनी चाहिए थी, और प्लस ये जो फुटरेस्ट है वो भी इसमें देना चाहिए था। तो यही थी भाइयों वीडियो, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जाके जरूर बताना, और वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।